हेलो दोस्तों, जय श्री राम सारे भाई बहनों को। तो दोस्तों, आज के खूबसूरत व्लॉगिंग शुरुआत हो रही है इन खूबसूरत वादियों के साथ। तो दोस्तों, अभी हो रहा है 9:30 बजे। मैं और दीदी आ रखी है एक, उनके साथ मैं जा रहा हूँ मंदिर डाला नागराजा। तो आप लोगों को भी दर्शन करा देंगे नागराजा का। तो चलते हैं, काफ़ी चढ़ाई भी है तो ऊपर में मिलेंगे आपको सीधे। तो अब हम पहुँच चुके हैं कुंडा में, ये देखो। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नागराजा मंदिर में। तो अभी पहले हाथ पैर धोते हैं। दोस्तों, आजकल काम इतना ज़्यादा हो रखा है ना, भीड़ नहीं हो रखी है मंदिर में। तो अभी हम खरीदेंगे प्रसाद, तो खरीदते हैं इधर से। तो यहाँ पर ही लगा रखा है इन्होंने प्रसाद। तो अब ले लिया दीदी ने प्रसाद। दीदी ना बताते हैं प्रसाद जरा, यहाँ देखो प्रसाद भी ले लिया हमने। तो अब करते हैं मंदिर के दर्शन, आप लोगों को बता देंगे। अब हमने कर लिए हैं मंदिर के दर्शन, अब हम थोड़ा घूमते हैं इधर उधर मंदिर में। ऐसे बहुत व्लॉग हो चुके हैं मेरे यहाँ के। तो दोस्तों, ये आ चुकी है हमारी चाउमीन, अब इसको करते हैं फिनिश। तो दोस्तों, कुछ ऐसा हो रखा है आज मंदिर का मौसम, ये देख सकते हो आप लोग, और काफ़ी ख़तरनाक धूप हो रखी है आज। ये देखो दोस्तों, मंदिर के बीचों बीच कितना अच्छा फूल हो रखा है। और यहाँ पे दीदी कुछ सामान ले रही है, देखते हैं क्या क्या लेते हैं ये। तो ले लिया हमने, थोड़ा सा कड़े वड़े लिए हैं दीदी ने। आजकल दोस्तों ऐसा हो रखा है ना, भीड़ ही नहीं हो रही है कोई, बहुत कम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं मंदिर में, क्योंकि आजकल काम का टाइम भी चल रहा है, बच्चों के स्कूल भी खुल रखी। ये देखो मंदिर के इधर का व्यू, ये है हमारे भगवान का मंदिर। यहाँ देखो आप, ग्राउंड देखो एकदम मस्त दिख रहा है। तो दोस्तों, एक और बार यहाँ से बताते हैं आप लोगों को व्यू, ये देखो आप भाई साहब, हमारे भगवान का मंदिर। और उधर दीदी जा रखी है कुछ लेने के लिए। तो दोस्तों, एकदम बोरिंग लग रहा है यहाँ, क्योंकि कोई नहीं आ रखा है, हम ही आ रखे हैं बस। बहुत कम भीड़ भड़ाका भी नहीं दिख रहा है इधर। ये छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं, ये नए ही बने हैं अभी, इनको शायद 8-9 महीने या 1 साल ही हुआ होगा। ये देखो, और यहाँ पर मैं बार बार आता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर मंदिर का इतिहास लिखा है, इसको पहुँच करके पढ़ लेना एक बार। और इधर देखो कि यहाँ पर भी है एक खिलौने की दुकान। और यहाँ से सीधा बहुत ही कैड़ा व्यू दिखता है इधर से, ये देखो। ये भी है एक मंदिर, हनुमान मंदिर, बोलो जय बजरंग बली। और ये जो धर्मशाला बना है, ये नया बन रखा है, ये देखो। बाकी आप मंदिर में देखोगे तो एकदम प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ भी देखो, चेक करो भाई, क्या कैड़े कैड़े फूल लग रखे हैं। ये देखो भाई, अब पूरे ग्राउंड में घास ही घास हो रखी है, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई आता जाता नहीं होगा। तो थोड़ा समिति को देखना चाहिए कि ये घास हो रखा है, इसको थोड़ा साफ़ करनी चाहिए। बाकी हम भी क्या कर सकते हैं भाई। टॉमी भी आ रखा है आज हमारे साथ, टॉमी जाना था, चला
अब दीदी हमारे लिए ठंडा भी लाई आज। यहाँ देखो भाई, बोडा जी का जो होटल था इसमें अभी काम चल रहा है, तो अभी ये कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, सबसे ज़्यादा फेमस होटल है ये यहाँ का, किसी से पूछ लेना, नाम चलता है इस होटल का, ये पढ़ सकते हो आप लोग। यहाँ पे दीदी फिर से कुछ ले रही है, और ये है लसेरा वालों की दुकान। यहाँ देखो मंदिर की नई नई फोटो आ चुकी है। लास्ट बार चेक कर लो भाई मंदिर का व्यू, सबके सब बोल दो जय श्री राणा नागराजा भगवान। तो अब हम भी चलते हैं घर की ओर, चलो। ये देखो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं फिर से कुंडा में, और तो आज का दिन कुछ ऐसा ही था। तो दोस्तों ये था थोड़ा मिनी ब्लॉग, क्योंकि घर में अभी बहुत सारा काम भी है और घर भी जाना है। तो मिलते हैं ऐसे बड़े बड़े वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।